आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं डॉली भाटिया। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि सी हेल्थ के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और आपको करते हैं सतर्क कि किस प्रकार आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कैसे आपको अपनी दिनचर्या व्यतीत करनी है, बीमारियों से दूर रहना है। इसी प्रकार आज भी हम हाजिर हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ को लेकर आप सभी के बीच और आज भी हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। लेकिन आपको बता दें कि इस चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेखा गुप्ता। स्वागत करना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर रेखा गुप्ता जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि महिलाओं को अपनी सेहत का ख्याल किस प्रकार रखना है। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी, यानी जो महिलाएं गर्भधारण करना चाहती हैं या जो महिलाएं गर्भधारण कर चुकी हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से उनको अपने आप को चेकअप कब कब कराना है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रेखा गुप्ता, आपके साथ हम अपनी चर्चा शुरू करना चाहेंगे और सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के संबंध में, तो जानना चाहेंगे आपसे कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का क्या रोल रहता है। देखिए, सबसे पहले तो मातृत्व हर स्त्री का कुदरत की तरफ से एक सबसे बड़ा अनमोल उपहार है। हर स्त्री चाहती है कि शादी के बाद एक वो सुंदर व स्वस्थ शिशु को जन्म दे, लेकिन इसकी शुरुआत शादी के बाद ना होके बचपन से होती है। बचपन में जो लड़की ने खाया पिया होता है, जो उसको अच्छी शिक्षा दी गई होती है, जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती है, स्कूल जाती है, माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं, ये सब चीज़ें उसकी मदद करती हैं एक संपूर्ण नारी बनने में और एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में शादी के बाद। और जहाँ जैसा आपने पूछा कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, आजकल जैसा आप सुनने में आता है कि जन्मजात विकृतियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इनसे बचाव करने के लिए प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का काफ़ी रोल है। हम आपको, जब आप हमसे काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं, कुछ पूछने के लिए आते हैं, तो हम आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको लेने से जन्मजात विकृति काफ़ी हद तक कम होती है। आपको ये पता चलता है कि जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये प्रेगनेंसी है और आप कब आपको डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मेन रोल होता है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का। जी, तो देखा जा रहा है कि पहले तो ये इंडिया में नहीं होता था, लेकिन अब लोग धीरे धीरे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग ले रहे हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हम बताते हैं, अवेयर करते हैं उन महिलाओं को जिन्हें नहीं पता होता है कि वो अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनके क्या क्या उन्हें सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ये किसी भी महिला का या किसी भी लड़की का, स्त्री का पीरियड मिस होता है, मिस होने से मतलब उसका डेट के ऊपर पीरियड नहीं आता, तो सबसे पहले उसको टेस्ट करना चाहिए अगर वो शादीशुदा है जी। कि भी पीरियड मिस किया, अगर आजकल काउंटर पे यानी आपके जो दवा विक्रेता होते हैं इनके पास किट्स आसानी से उपलब्ध हैं, आप सिंपल सी प्रेगनेंसी किट से आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है या आपको समझ नहीं आता, तो फिर आप आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे आपको पता चलेगा, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो फिर आपको आगे बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन ये पहला स्टेप बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जी डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे विषय और लेना चाहेंगे, आजकल जो हम देख रहे हैं बच्चे ना होना या प्रेग्नेंट ना होना, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण हम मान सकते हैं कि लेट मैरिजेस हो रही है। लेट मैरिजेस भी इसका एक कारण है, लेकिन इसका असली कारण है आजकल का लाइफस्टाइल। जैसा कि लाइफस्टाइल आप देखते हैं कि एक्टिविटी बहुत कम होना, मतलब कि व्यायाम वाली स्थिति बहुत कम होना, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा होना, खाने पीने का टाइमिंग्स ठीक नहीं होना, और इसके अलावा स्ट्रेस, मतलब कि टेंशन बहुत ज़्यादा होना, हर किसी की ज़िंदगी में इतनी टेंशन बढ़ गई है, ये चीज़ें एक स्त्री के हार्मोन्स पे बहुत गलत असर डालती हैं, और इसकी वजह से ये लेट मैरिजेस की वजह, ये फैक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि जो आपकी एक जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है, नियमित नहीं है, ये वजह होता है कि इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन ज़्यादा होना। बिल्कुल, तो डॉक्टर, यहाँ पे अगर हम जानना चाहेंगे, जैसे प्रेगनेंसी हेल्दी हो या हम कह सकते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, क्या शुरुआत से ही एक लड़की को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्या कहीं ना कहीं उसका असर जाके उसकी बाद में मैरिज? हाँ, ये तो जैसे मैंने पहला भी कहा, हर लड़की को अपना ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट शादी के बाद उसके जो साथ में घर वाले होते हैं उनको भी उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके खाने पीने का, व्यायाम का, जो उसको जानकारी मिलनी चाहिए, चाहे आप उसे दें पेपर के जरिए, डॉक्टर के जरिए, ये ज़रूरी है।
बिल्कुल, तो इसके साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा गुप्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो लगातार महिलाओं को बता रही हैं कि किस प्रकार उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, बेबी कंसीव करना चाहती हैं, तो उनको अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या ऐसी बातें हैं जो उन्हें अपने अमल में लानी है, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां उन्हें इस दौरान बरतनी है। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ चर्चा शुरू करना चाहेंगे आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे थ्री ट्राइमेस्टर का जो पीरियड होता है, उसमें क्या क्या ऐसी सावधानियां, क्या क्या मेन ऐसी सावधानियां हैं जो एक महिला को बरतनी है? देखिए, सबसे पहले तो एक विषय ये आता है कि डॉक्टर के पास जाया क्यों जाए। आजकल अभी भी हमारे समाज में ये गलतफहमी है कि अगर मरीज ठीक है, हमने ठीक है उसको डायग्नोज कर लिया, वो प्रेग्नेंट है, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब सिर्फ उसकी फीस देने से या दवाइयाँ लिखने से नहीं होता। उसका पर्पस ये होता है, जब आप हमारे पास आते हो, हम आपके आगे के लिए पूरी काउंसलिंग करते हैं कि नौ नौ महीने, जब पूरे जो 9 मंथ्स होंगे उसके दौरान उसको क्या सावधानी बरतनी है, क्या उसको चेकअप्स कराने हैं, कब उसका टीकाकरण होना है, कब उसके अल्ट्रासाउंड होने हैं, उसकी बेबी की ग्रोथ ठीक होती है कि नहीं, कैसे उसके डिलीवरी का टाइम आएगा, तब आपको क्या करना है, ये सब हम आपको, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब हम आपको ये सब समझाते हैं। और ये हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाएं, वहीं पर चेकअप होगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में भी अपने मरीज का, अपनी गर्भवती जो बेटी है या बहू है, उसका चेकअप करा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, अब आपके पास कोई महिला आती है ऐसा सोच के, मतलब जैसे आजकल किट्स निकल आए हैं और घर में टेस्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो आप किस तरह की उन्हें कंफर्म करने के लिए जांच करते हैं? देखिए, फर्स्ट पीरियड मिस होने के बाद हम लोग यूजुअली जो नॉर्मल आपकी किट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, उसी से टेस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर हम 1.5 महीने पे या लगभग 2 महीने पे एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी ओके है, बच्चे के अंदर हार्ट बीट्स आई हैं कि नहीं। इसके बाद हम आपको आगे के लिए, जो सबको फोलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए, जो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, वो टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। ये अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़रूरी है, कई बार आप घर पे बैठे रहते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता कि बच्चा अंदर ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इसलिए 2 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होना ज़रूरी है। इसके बाद आप जब जाते हैं तो हम आपका एक अल्ट्रासाउंड 3rd महीने पे कराते हैं, वो आजकल इसलिए ज़रूरी है 3 महीने कंप्लीट होने पे, कि जिससे बच्चे के अंदर कोई सर में या किसी और अंग में कोई जन्मजात विकृति के कुछ भी लक्षण हो तो वो हम डायग्नोज कर पाएँ। तो इसलिए ये फर्स्ट और टू, पहले 3 महीने के 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारा भाग दौड़ भरी जिंदगी जो हमारी हो गई है, इसमें मिसकैरेज के केसेस भी बहुत आ रहे हैं, तो क्या ऐसी लापरवाहियां होती हैं जो महिलाओं के द्वारा बरती जाती हैं? ऐसे मोटे तौर पे तो कोई लापरवाही नहीं होती कि जो कोई भी महिला चाहेगी कि उसका जानबूझ के मतलब मिसकैरेज हो। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको समझाया, कुछ हम जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो आपको डाइट संबंधी कुछ सुझाव देते हैं कि आपको बाहर का खाना छोड़ के, आपको जो नॉर्मल घर में खाना पीना आपके घर में होता है, दाल रोटी चावल फल फ्रूट दूध दही, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। कुछ भारी भरकम काम से बचना चाहिए, जिससे कि कभी कभार अबॉर्शन होने की संभावना रहते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं कि सावधानी, कैसे कपड़े पहने चाहिए, एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए या करनी चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी देते हैं। के साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर रेखा गुप्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाली दिक्कतों के बारे में, और साथ ही स्पेशल चर्चा कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में। अगर कोई भी महिला है जो अपने बेबी कंसीव करना चाहती है, उसको किस तरह की डाइट लेनी है, क्या क्या सावधानियां उसे बरतनी है, और इस दौरान कितनी बार विजिट करना है डॉक्टर के पास, कौन कौन से चेकअप उसे कराने हैं, इस विषय में भी आज चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर रेखा, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने बात करे हम 3 महीने जो स्टार्टिंग के होते हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानना चाहेंगे। जैसे कि माना जाता है, जब घर में बेबी आने की खबर लोग सुनते हैं तो एक खुशी का माहौल बन जाता है और तब उसकी कुछ ज्यादा केयर होने लगती है, तो वो जो महिला है वो पूरे टाइम बेड रेस्ट करती है, क्या ये सही है या नहीं है? महिला का बेड रेस्ट करना उचित नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी या मातृत्व एक कुदरत का फिनोमेना है, कुदरत की प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जाता जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जो कि हम अल्ट्रासाउंड के जरिए या चेकअप के जरिए पता करते हैं, तब तक किसी को बेड रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं, बाहर जाते हैं काम करने,
या आप हाउसवाइफ हैं, घर में काम करते हैं, तो वो आप अपना काम जारी रख सकते हैं जब तक कि आपका डॉक्टर इस चीज़ के लिए मना ना करे। बस आपको अपनी डाइट का उचित ध्यान रखना है, हर चीज़ की मात्रा बढ़ानी होती है। स्पेशली जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके घर में जो अवेलेबल है वो नॉर्मल खाना पीना और साथ में थोड़ा सा फल, सलाद, फ्रूट्स, दूध, दही, ये ज़रूरी होता है। बिल्कुल, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको महिलाओं में देखने को मिलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर की देखिए, वैसे मोटे तौर पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं मिलते, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पीरियड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टाइम पे बच्चा बन रहा होता है। जी। इस टाइम पे आप जो गर्भवती महिला की केयर करते हैं, उसको जो खाना पीना देते हैं, वो आपके लेटर बाद के महीनों में रिफ्लेक्ट करता है। यानी इसका 3 महीनों का रिजल्ट बाद के 6 महीनों में दिखाई देता है। तो अगर इस टाइम पे कोई स्त्री अपना ढंग से ध्यान रखेगी और घर वाले भी उसकी मदद करेंगे, तो आगे जाके जैसे आप आजकल शिकायतें देखते हैं, बच्चे की ग्रोथ रुकना, बच्चे के बिल्कुल अंदर पानी की कमी होना, तो ये सिर्फ उसी उसी टाइम का नहीं है कि आप ये सोचिए कि 6ठे महीने में जाके अचानक से हो रहा है या 7वें महीने में अचानक से जाके हो रहा है। कि अगर शुरू के 3 महीने में उसकी केयर नहीं होती तो ये चीज़ें बाद में जाके रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसलिए उचित ध्यान रखना चाहिए पहले 3 महीनों में, और जैसे मैंने बताया, हर महीने डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए गर्भवती महिला को, जिससे बिल्कुल कि अगर कुछ चीज़ें आप नहीं समझ सकते हो तो वो डॉक्टर समझ सकता है कि कहाँ पर रुकावट या कहाँ पर कमी आ रही है। जी बिल्कुल। ये तो हमने बात करी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, यहाँ पे जानना चाहेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड का क्या रोल रहता है? वही मैं बताती हूँ। पूरी प्रेगनेंसी में देखिए, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 2 महीने पर ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी डायग्नोज करने के लिए और बच्चे की धड़कन कन्फर्म करने के लिए। फिर 3 मंथ्स में एक लेवल 2, जैसे आप सुनते हो, आपको समझ भी नहीं आता होगा लेवल 2 का मतलब क्या है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में हम कुछ बच्चे की जन्मजात विकृति देखते हैं, खासतौर पे जो उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी में आती हैं। इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए 5 महीने कंप्लीट होने पर, यानी कि आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। इसमें हमें कुछ और जन्मजात विकृतियां, क्योंकि बच्चा लगभग 5 महीने पर पूरा बन जाता है, तो उसके अंदर जो कमियाँ होती हैं, हार्ट की कमी छोड़कर हम काफ़ी कमियां मोटे तौर पे देखी जा सकती हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई कमी ऐसी है कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसके जीवित होने की संभावना, रहने की संभावना कम है, तो हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, और अगर उसका ट्रीटमेंट संभव है तो उसी हिसाब से बताया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, पहला ट्राइमेस्टर पूरा हो गया और अगर महिला ने सेकेंड ट्राइमेस्टर में कदम रखा, तो जानना चाहेंगे उसको अपना ख्याल और ज़्यादा अच्छे से किस प्रकार रखना है? उसको और ज़्यादा ख्याल ऐसे रखना है कि देखिए, रेगुलर चेकअप्स तो ज़रूरी हैं, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में। डाइट थोड़ा सा धीरे धीरे करके इंक्रीज करनी होती है। पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे 9 महीने में, एक गर्भवती महिला को कम से कम 11 से 12 किलो वजन बढ़ाना चाहिए। इसमें से 1 किलो वजन उसके पहले शुरुआत के 3 महीनों में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और फिर 5 किलो के लगभग वजन सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि आपका 4थे महीने से लेके 7वां महीना कंप्लीट होने तक, और इसके बाद जो बचा 5 किलो वो लास्ट के ट्राइमेस्टर में, यानी कि 8वें महीने के शुरुआत से लेके 9वें महीने के ख़त्म होने तक। तो अगर इस तरीके से वजन बढ़ाना है तो उसी तरह से उसको अपनी डाइट भी धीरे धीरे करके बढ़ानी होगी, जैसे कि खाने की मात्रा बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा खाना उसको थोड़े थोड़े अंतराल पर खाते रहना चाहिए, बजाय एक बार एक साथ खाने के। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, वो पेट के अंदर जगह लेता है, आपकी आंतों को भी थोड़ा सा हटाता है, आपका सिस्टम जो खाना पचाने का सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसलिए खाना उसको देर से पचता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को थोड़े थोड़े अंतराल पे थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि महिलाओं का वजन के बारे में आपने बात की, जानना चाहेंगे जैसे बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, इसमें ओबेसिटी भी एक बड़ी बीमारी है, और अगर ओबेसिटी अगर एक महिला को है और साथ ही उसको प्रेगनेंसी भी है, तो उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन? देखिए, अगर महिला को ओबेसिटी भी है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये उसमें काउंट होता है। पेशेंट की उसी हिसाब से काउंसलिंग की जाती है, उसको हमें थोड़ा डाइटिशियन से या अपने आप ही डाइट चार्ट देने पड़ते हैं, क्योंकि जो महिला पहले से ओबीज है उसमें वजन गेन करने की क्षमता या वजन बढ़ाने की क्षमता थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो हम वेट लूज करने को तो नहीं कह सकते गर्भवती महिला को, लेकिन हाँ, वेट कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। जितना मैंने आपको एक्सपेक्टेड वेट, मतलब जितना हमने बताया कि अभी आपको वजन बढ़ाना चाहिए, जैसे 11 से 12 किलो बढ़ाना चाहिए, तो वो किसी मोटी महिला के लिए या ओबीज महिला के लिए वो वजन कम हो जाता है। वो हम उसको समझाते कि 8 से 9 किलो उसकी डाइट, उसी हिसाब से उसको एक्सप्लेन करी जाती है। बाद में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं डिलीवरी में ओबीज महिला को, इसलिए थोड़ा सा व्यायाम भी बताया जाता है कि जितना वजन है वो उतने पे रखे और बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए।
बिल्कुल, इसके साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा गुप्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो महिलाओं को बता रही हैं किस प्रकार उन्हें प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चे का ख्याल रखना है, कौन कौन सी सावधानियां उन्हें बरतनी है। इसी प्रकार तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ठीक है, हाँ जी। स्टार्ट करें? हाँ हाँ बिल्कुल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में, और आपके साथ मैं हूँ डॉली भाटिया। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाएं, जो महिलाएं प्रेगनेंसी या कह सकते हैं हम बेबी कंसीव करना चाहती हैं,